फिर कोरोना का विस्फोट हुआ। पिछले 24 घंटे में 2330 नए संक्रमित मिले। इंदौर, भोपाल और जबलपुर में सबसे ज्यादा केस। मध्य प्रदेश के मेडिकल कॉलेज में 5% बेड बढ़ाने के निर्देश जारी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने दिया आदेश। आईसीयू और ऑक्सीजन की भी संख्या बढ़ाने के निर्देश। आज दमोह जाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। सुबह 11 बजे भोपाल से दमोह के लिए रवाना। बीजेपी प्रत्याशी के नामांकन में शामिल। वहीं जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पंखाजूर से सटे गढ़चिरौली इलाके की सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब खोमरा मेड़ा के जंगल में पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान 5 नक्सली ढेर हो गए। मुठभेड़ में 50 लाख के इनामी नक्सली भास्कर को भी मार गिराया है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने जबलपुर के स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के मुख्य अभियंता के प्रभाकर और शिफ्ट ड्यूटी अभियंता से सेंटर के कार्यप्रणाली की जानकारी ली। असम केरण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले चरण के मतदान प्रतिशत को बताया बेहतर। दूसरे चरण में वोटिंग अच्छे होने की जताई उम्मीद। पीएम नरेंद्र मोदी आज दक्षिण भारत में मंत्री संभालेंगे। पीएम मोदी पुडुचेरी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। दक्षिण भारत में मोर्चे संभालेंगे पीएम मोदी। नंदीग्राम में बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के समर्थन में गृहमंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं शाह नंदीग्राम, देवरा और पंखाजूर पश्चिम में रोड शो करेंगे। शिवसेना ने सामना के जरिए पीएम मोदी के बांग्लादेश दौरे पर सवाल उठाए और लिखा कि बांग्लादेश में पीएम मोदी ने यशोरेश्वरी काली माता मंदिर में पूजा अर्चना की और बंगाल के हिंदू वोटर्स को प्रभावित करने की कोशिश की है। बंगाल के बांकुरा में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई और विराग जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना को देखते हुए सीएम उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए, जिस पर एनसीपी ने आपत्ति जताई है। देश में अब तक 1,20,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 68,020 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं 291 लोगों की जान चली गई है। किसान आंदोलन का आज 126वां दिन है। आगे की रणनीति बनाने के लिए आज किसान संगठन फिर बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की भारतीय पासपोर्ट के लिए दी गई एप्लीकेशन रद्द हो गई है। जम्मू कश्मीर के शोपोर में बीडीसी चेयरपर्सन फरीदा खान पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पीएसओ शहीद हो गया जबकि एक की मौत हो गई। वहीं हमले के बाद इस इलाके में फोर्स तैनात कर दी गई है। म्यांमार में लोगों पर सेना के बढ़ते अत्याचार पर अमेरिका ने सख्ती दिखाई है और यूएस ने म्यांमार के साथ अब तक ट्रेड ना करने का फैसला लिया है। और स्वेज नहर में फंसा मालवाहक जहाज निकाला गया है, जिसे पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली है। जहाज से फंसने से अब तक $60,000 मिलियन तो से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। और एलन मस्क की टेस्ला बड़ी तैयारी के साथ भारत आ रही है और इस साल के अंत तक कंपनी भारत को 7 करोड़ 7 ई कार देगी।